बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 59वां बर्थडे मनाया। इस मौके पर हुए एक इवेंट में शाहरुख ने बताया कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। दरअसल शाहरुख चेन स्मोकर रहे हैं, यानी वो लगातार एक के बाद एक सिगरेट पीते थे। अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए दिन भर में वो कितनी सिगरेट पी जाते होंगे। लेकिन अब उन्होंने सिगरेट को पूरी तरह ना कह दिया है। अब इवेंट के दौरान शाहरुख खान ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सिगरेट छोड़ने वालों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये दिक्कत काफ़ी लोगों को होती है। शाहरुख खान ने कहा कि सिगरेट छोड़ने के बाद भी उनकी सांस फूल रही है। उन्हें लगता था कि सिगरेट छोड़ने के बाद ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा अभी भी हो रहा है, पर उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। जो भी इंसान सिगरेट पीता है उसे सांस फूलने की दिक्कत होती है, लेकिन सिगरेट छोड़ने के बाद भी ऐसा क्यों होता है और इसे राहत कैसे पाई जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर से। डॉक्टर कुलदीप बताते हैं कि सिगरेट में निकोटीन और दूसरे केमिकल्स होते हैं। जब ये केमिकल्स शरीर में जाते हैं तो खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे फेफड़ों को कम ऑक्सीजन मिलता है। फिर जब कोई इंसान सिगरेट छोड़ता है तो फेफड़े ठीक होने लगते हैं, खून की नलियाँ फैलने लगती हैं, इससे खून का फ्लो बढ़ जाता है। ऐसे में इंसान को सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शरीर को वक्त लगता है नॉर्मल होने में, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। सिगरेट छोड़ने के बाद एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी होता है, इससे भी सांस तेज चलने लगती है और फूलने लगती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये परेशानी थोड़े समय के लिए ही रहती है। सिगरेट छोड़ने के इस साइड इफेक्ट से आप राहत पा सकते हैं, इसके लिए खुद को हाइड्रेटेड रखिए। दिन में करीब 7 से 8 ग्लास पानी पीजिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, यानी गहरी गहरी सांसें लीजिए, इससे फेफड़ों की क्षमता सुधरती है। स्ट्रेस कम करने के लिए योगा करिए, ध्यान लगाइए। आप तेज तेज चल सकते हैं, स्विमिंग और साइकिलिंग भी कर सकते हैं, इनसे फेफड़े बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ें खाइए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड हों। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, गोभी, टमाटर, बेरीज और खट्टे फल खाए जा सकते हैं। वहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए चिया सीड्स, अलसी के बीज, मछली, राजमा और अखरोट खा सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए।